नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 इंच लंबी पूंछ के साथ पैदा हुआ बच्चा देखकर सदमे में आ गए मम्मी पापा। जानिए क्यों आती है ऐसी स्थिति। चीन में 4 इंच लंबी पूंछ के साथ एक विचित्र बच्चा पैदा हुआ, जिसे देखकर उनके मम्मी पापा भी सदमे में आ गए। सदियों पहले इंसानों को भी बंदरों की तरह पूंछ हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में चीन में एक बच्चा 4 इंच लंबी पूंछ के साथ पैदा हुआ, जिसे देखकर मम्मी पापा तो सदमे में आ गए। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसे देखकर हैरान रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ मामला है और एक खास कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस बच्चे का जन्म हुआ है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर ली ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा है कि बच्चे का पूंछ के साथ पैदा होना एक असामान्य वृद्धि का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब कुछ अंगों का विकास काफ़ी तेजी से होता है और प्रक्रिया रुक नहीं पाती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पहले हमें संदेह था कि शायद ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी बंधी हुई हो, लेकिन MRI में भी इसकी पुष्टि हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जब रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से आसपास के ऊतकों से जुड़ी होती है तो ऐसी पूंछ बाहर आ जाती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इससे कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो सकती है। ये पहली बार नहीं है कि चीन में पूंछ के साथ किसी बच्चे का जन्म हुआ। 2014 में 5 महीने की नुओ का जन्म स्पाइना बिफिडा के साथ हुआ था, जो एक विकासात्मक जन्मजात विकार है। यह रीढ़ में एक खाली जगह छोड़ देता है। जन्म के कुछ ही दिनों के भीतर उसकी माँ ने देखा कि एक पूंछ बढ़ने लगी थी, जिसकी लंबाई 5 इंच तक हो गई थी। बेटे की हालत देखकर नुओ की माँ ने डॉक्टरों से इसे निकालने का आग्रह किया, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। उनका कहना था क्योंकि पूंछ उनके तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर इसे हटाया गया तो उसको गंभीर दिक्कत हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टेल बोन तो अपने आप में जैविक विकास की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल से बाहर हुई चीज़ है और यह हमें हमारी खोई हुई पूंछों की याद दिलाती है, जो पेड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बनाने में मददगार हुआ करती थी। साथ ही इस पर आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।